अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा, हमने कल इस लेसन की इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी थी, जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी, या जिस चैप्टर का नाम है डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस लेसन में हमने कल इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम इसका पहला टॉपिक जो है, जिसका नाम है डायवर्सिटी, डायवर्सिटी है क्या, इसका मतलब क्या है, ये हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी, अगर इस वर्ड को आप देखोगे डाइवर्सिटी, यहाँ पे बायो डाइवर्सिटी, इसका पूरा नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहते हैं इसको, और शॉर्ट में फिर इसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। और इस बायोडायवर्सिटी जो है, इस बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे है बायो मतलब लाइफ या लिविंग, लिविंग। डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी ऑफ स्पीशीज, को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग वैरायटी को पढ़ना, अलग अलग वैरायटी को जानना, दैट कॉल्ड द बायोडायवर्सिटी। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है यहाँ पे द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वाज क्वाइनड, और ये जो डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म जो है, ये सबसे पहले क्वाइनड की एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था रोसन, इन 1986 में। और इसकी डेफिनेशन क्या है इस डाइवर्सिटी की, इसकी डेफिनेशन है इट मे बी डिफाइंड एज अ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, वैरायटी का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कोशर प्रतिमाच जर्ज, वो अलग अलग जर्स से आसान या ज़मीन पर अर्थ के ऊपर जो अलग अलग वैरायटी देखी गई, देखी जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आते हैं जैसे ऑल द ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्पीशीज आते हैं, पॉपुलेशन जो है वो आ जाते हैं, या खासकर टेरिस्ट्रियल जो ज़मीन पर रहते हैं, मैरीन जो साल्ट वाटर में पाए जाते हैं एनिमल्स, या कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या एनिमल हो, या अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में, या अलग अलग इकोसिस्टम जो होते हैं, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, या इस तरह लैंड इकोसिस्टम है, बायोम्स हैं, अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। इन इकोसिस्टम्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं या हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म छोटा हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म बड़ा हो, फ्रॉम द स्मॉल माइक्रोब से लेके अप टू द लार्जेस्ट वेल जो है, उन सबको का, इनके बीच में जितने भी ऑर्गेनिज्म्स आते हैं, उन सबको कहा जाता है डायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी, इनको कहा जाता है। तो बायोडायवर्सिटी में सिर्फ इसमें सिर्फ एनिमल्स ही नहीं आएंगे, तो इसमें कौन कौन आएगा, इसमें बहुत प्लांट्स भी आएंगे, इसमें एज वेल एज एनिमल्स भी आएंगे। अब इस बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम देख सकते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी का अगर देखेंगे आज तक, यानी एट प्रेजेंट अभी तक जो हमें, हम जानते हैं इनमें टोटल डाइवर्सिटी जो हम, टोटल स्पीशीज जो हम जानते हैं, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज को हम सिर्फ जानते हैं, और इनमें से भी 80% जो प्लांट स्पीशीज जो हैं वो अभी तक हिडन है, अभी तक उनके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि हम उनके बारे में अभी तक जानते ही नहीं है, इतनी सारे डाइवर्सिटी हैं, कुछ सिर्फ हम 20% स्पीशीज को जानते हैं, 20% वैरायटी जो है, 20% डाइवर्सिटी जो है वो हम जानते हैं, वो हमें पता है, 80% डाइवर्सिटी अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि वो 80% डाइवर्सिटी कहाँ पे, वो 80% डाइवर्सिटी हम हिमालयाज जो है, माउंटेन्स जो है, वहाँ पे हर साल नई नई वैरायटीज डेवलप हो जाती हैं, तो इसलिए हम 80% डाइवर्सिटी को अभी तक वो हमें पता, वो हम विदाउट विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, उसकी हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अब हम सिर्फ क्या जानते हैं, हम सिर्फ वही 20% जो पॉपुलेशन है, 20% जो डाइवर्सिटी के बारे में हमें पता है, जिनके बारे में हम जानते हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे यानी पढ़ेंगे। अगर हम देखेंगे दोनों में, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की अगर बात करेंगे, दोनों में क्या है, दोनों में अभी तक 92% जो है इनमें ऑर्गन, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स में, वो अभी तक स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, यानी हमें अभी तक उनके बारे में वो एक्सप्लोर नहीं किए गए, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई अभी तक, तो वह कितने, वह 92% है वो। अब ये बायोडाइवर्सिटी कैसे हम देखेंगे, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे हम अपने आप को, जैसे अगर हम कंपेयर करेंगे, जैसे हम कंपेयर करेंगे, एक तो हम अपने आप को कंपेयर करेंगे, फॉर्जली पर्सन ए है, इसी तरह यहाँ पे पर्सन बी है, तो ये पर्सन ए जो है, समझो ये हम लोग हैं,
पर्सन बी कोई दूसरा है। तो हम अगर इस पर्सन ए को और पर्सन बी को अब दोनों को देखते हैं तो दोनों मैच नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं, हम देखते हैं उनमें डिफरेंसेस। तो इसी तरह अगर हम इस पर्सन ए को हम किसी दूसरे जैसे मंकी जो है मंकी के साथ हम कंपेयर करेंगे, मंकी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें फिर से बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आएगी। फिर अगर हम इसी तरह हम इसी पर्सन को पर्सन ए को हम काउ के साथ डिफरेंस करेंगे तो काउ में बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे, मगर अगर मंकी और इसमें देखेंगे हम उसमें डिफरेंसेस होगी मगर कुछ सिमिलरिटीज भी होगी। तो इसी तरह हम देखते हैं इसमें इन सब को कहा जाता है डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें जानना है और उनको कहा जाता है डाइवर्सिटी। जैसे ये इस पिक्चर में है, इस पिक्चर में बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे पोलर बियर है यहाँ पे, व्हेल है या डियर है, कैमल है, प्लांट्स हैं यहाँ पे। तो इस सब को कहा जाता है, इनको कहा जाता है बायो डाइवर्सिटी, इसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। शॉर्ट में बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैराइटीज ऑफ स्पीशीज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये इसी तरह दूसरी पिक्चर है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ये फ्लावर्स भी हैं, एनिमल्स हैं, तो इन सब को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो इस डाइवर्सिटी को हम लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं इस अर्थ के ऊपर, मगर इन सारे स्पीशीज़ को हम एब्रप्टली हम इनको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते करेंगे नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इनको अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग ग्रुप्स में हमें इनको करना पड़ता है, जिसको हमने कल कहा था क्लासिफिकेशन, जिसको हमने कहा वो हम आगे देखेंगे। अब डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी के कुछ लेवल्स हैं। तो पहले थी डाइवर्सिटी, पहले डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में वैराइटीज थे। अब हम यहाँ पे जानेंगे वैराइटी जो है ये वैराइटी किस किन की है। वैराइटी अगर है डिफरेंट एनिमल्स की, डिफरेंट स्पीशीज की वैराइटी, वो स्पीशीज वो वैराइटी कैसे आएगी, तो इसको हम कहते हैं लेवल्स, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें तीन लेवल्स होते हैं, एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्या क्या, एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब पहले हम लेंगे इसमें एक, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या कहता है, अगर इस वर्ड को हम यहाँ पे देखेंगे, ये इट इज कॉल्ड जेनेटिक, जेनेटिक मतलब जीन्स के बेसिस पे होगा, को यहाँ पे इट इज कंसर्न्ड विद वेरिएशन, एक चेंज इसमें आ जाती है इन जीन्स को, अगर जीन्स में कोई चेंज आ गई किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में, जीन्स की वजह से कोई चेंज आ गई, फिर वहाँ पे जो डाइवर्सिटी पैदा हो जाएगी दैट इज कॉल्ड जेनेटिक, दैट अकर्स बाय जेनेटिक डाइवर्सिटी। वो यहाँ पे इट इज़ कंसर्न्ड विद द वेरिएशन इन जीन्स विद अ पर्टिकुलर स्पीशीज, कोई पर्टिकुलर खास स्पीशीज को लेंगे, इट इंक्लूड द डिफरेंस इन बॉडी साइज, बॉडी में साइज में चेंज हो जाता है क्योंकि जीन्स में चेंज हो गया, कलर में चेंज हो, जैसे यहाँ पे अगर देखो ना इनको, मेज को देखो, यहाँ पे डिफरेंट कलर के मेजेस हैं, यहाँ पे डिफरेंट कलर के हैं, यहाँ पे डिफरेंट कलर के हैं, तो ये जीन्स के बेस पे इनमें जीन्स में चेंज होगी, तो जिसकी वजह से कलर डेवलप हो गया। इसी तरह अगर हम आप ह्यूमन पॉपुलेशन को देखेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन में यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इन लोगों को न चेहरा किसी के साथ मिलता है, न कलर जो है, कलर भी डिफरेंट होता है, हेयर कलर है, बाकी जो डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट, वो डिफरेंट है, मगर ह्यूमन्स हैं ये से, ये पर्टिकुलर एक स्पीशीज है, ये पर्टिकुलर एक स्पीशीज है ये वाली। तो इस पर्टिकुलर स्पीशीज में क्या होता है, इस पर्टिकुलर स्पीशीज में हम कलर भी देखते हैं, हम साइज, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो ये सारा आ जाता है किसकी वजह, ये सारा आता है जीन्स की वजह, उस जीन्स की वजह से जो चेंजेस हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। को डाइवर्सिटी में अगर कोई कलर हम देखेंगे, बॉडी साइज हम देखेंगे, कलर देखेंगे या अलग अलग फीचर्स हम देखेंगे, दैट कॉज द डाइवर्सिटी, दैट कॉज द डाइवर्सिटी इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी है दूसरा। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, को अलग अलग वैरायटी जो हम देखते हैं, अलग अलग वैरायटीज को हम किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे पर्टिकुलर हैबिटेट मतलब अगर हम लेंगे कोई डेजर्ट एरिया है, उस डेजर्ट एरिया में कोई पर्टिकुलर एनिमल वहाँ पे पाया जाता है, पर्टिकुलर एनिमल्स, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी, कोई स्पीशीज उसी वहीं की है। जैसे हम कश्मीर की अगर बात करेंगे, कश्मीर में यहाँ पे जो पर्टिकुलर हैबिटेट खासकर कश्मीरी स्टैग के लिए, कश्मीरी स्टैग जो है, स्टैग जो है उसके लिए, या हांगुल जिसको कहते हैं, तो वो यहाँ पे पाया जाता है, तो उसको उसका पर्टिकुलर हैबिटेट क्या है, उसका पर्टिकुलर हैबिटेट है यहाँ पे वह दाछी गाम।
वो दाछी गांव में वो स्पीशीज पाए जाए, और दुनिया के किसी भी कोने में अगर जाएंगे वहाँ पे वैसी स्पीशीज नहीं मिल जाएगी, तो उसको हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी को। वैरायटी हम मिलते हैं, वैरायटी हम देखते हैं, अलग अलग वैरायटीज वहाँ पे स्पीशीज देखते हैं, मगर किसी पर्टिकुलर खास कोई हैबिटेट है जिस हैबिटेट में हम लोग वो चीज़ देखते हैं। जैसे अफ्रीका में अगर देखें, अफ्रीका में एलिफेंट जो है वो वाइट एलिफेंट वहाँ पर पाए जाते हैं, तो उनका वो पर्टिकुलर हैबिटेट है, उसको हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं जिसमें हम खासकर एक खासकर हम अगर देखेंगे जिसमें कुछ कम्बिनेशन होगी, कम्बिनेशन किन की होगी, कम्बिनेशन होगी बहुत बायोटिक एंड एबायोटिक की कम्बिनेशन होगी, तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं उस चीज़ को, उसको कहा जाता है इकोसिस्टम कहा जाता है उस चीज़ को। वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हम कैसे डाइवर्सिटी को देख सकेंगे, हम कैसे डाइवर्सिटी को देख सकेंगे, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसको कहते हैं। जैसे हम देखते हैं इसे मैरिन इकोसिस्टम है, हम देखते हैं इसमें इसी तरह एक्वेटिक इकोसिस्टम है, या इस पैरिस इकोसिस्टम है, तंदुरा इकोसिस्टम है, टाइगा इकोसिस्टम है, तो ये अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं जिन इकोसिस्टम्स से हम अलग अलग स्पीशीज अलग अलग डाइवर्सिटी को देखते हैं। जैसे कोरल इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, वेटलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, को इन में हम अलग अलग स्पीशीज को देखते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर पे अगर देखिए, अभी कोरल रीफ्स हैं तो ज़मीन पे कोरल रीफ्स नहीं मिलते, ओशन से मिलते हैं, डेजर्ट में अलग टाइप से मिल जाएंगे, पेरिस में ग्रासलैंड्स होते हैं और तंदुरा में अलग टाइप्स के मिल जाते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ये एक इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम है, ये भी इकोसिस्टम है, इसलिए इनको कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स हम देखते हैं कहाँ पे, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स अराउंड द वर्ल्ड, को अलग अलग वैराइटीज अलग अलग हैबिटेट्स हम देखते, उन हैबिटेट्स को ही कहा जाता है इकोसिस्टम, उनको कहा जाता है जिसमें हम अलग अलग हैबिटेट्स को देखेंगे, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम जब देखते हैं ना इनको डाइवर्सिटी को, हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी, हम स्पीशीज डाइवर्सिटी को देखते हैं या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को देखते हैं, तो इस वर्ल्ड में इतनी सारी डाइवर्सिटीज जो हैं, हम इन डाइवर्सिटी को अच्छी तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, हम कैसे इनको क्लासीफाई करेंगे, हम कैसे इनको देखेंगे, कैसे इनका नाम याद रखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं हम, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करके रखना। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो शॉपकीपर के पास कोई आइटम हमें लाना, हमें पेन लाना होगा, तो हम जब उसको कहते हैं हमें ये पेन दे दो, हमें वो आइटम दे दो, तो वो जाता है जल्दी से, वो शेल्फ जो होता है उसकी शेल्फ, उसने वो शेल्फ पे रखा होता है, उसने वो अरेंज करके रखा होता है, वो जल्दी से वहाँ से उठाता है और हमें वो देता है, तो उसको कहते हैं अरेंजमेंट। या हम किचन में, हम अपनी घर की एग्जाम्पल लेंगे तो घर में हम किचन में रखते हैं वो क्रॉकरीज, हम रखते हैं कप्स जो होते हैं वो अलग अलग शेल्फ पे हम रखते हैं, अलग अलग तरीके पे रखते हैं, तो उसको भी कहते हैं अरेंजमेंट। इसी तरह हम एनिमल्स को क्या करते हैं, हम एनिमल्स को करते हैं अरेंज करते हैं, जो एनिमल खासकर छोटा होगा एक सेल का बना होगा उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, जो एनिमल बहुत सारे सेल्स का बना होगा उसको अलग रखते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक अपने पढ़ा है, जो नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक होता है उसको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। इसी तरह अलग अलग एनिमल्स प्लांट्स, जैसे प्लांट्स में हर्बस शर्बस क्रीपर्स, वो सारे उनको अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज किया गया, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन डेफिनेशन क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट करना ऑर्गेनिजम्स का इनटू किस में, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटीज को। अगर हम ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरिटी देखेंगे, कोई चीज़ इनकी इनको मिलता है आपस में, दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं, उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे। दूसरा हम देखेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे, जैसे हम बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स की, प्लांट और एनिमल की बात करें, प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है, कुछ जितने भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे उनको हम अलग प्लांट कैटेगरी में रखेंगे, उनको हम अलग प्लांट कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह हम एनिमल्स की अगर बात करेंगे, एनिमल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, उनको हम भी डिफरेंसेस हैं इनकी, इन दोनों की क्या है, इन दोनों के डिफरेंसेस हैं, या रिलेशनशिप इनके बीच में कौन से रिलेशन होते हैं, वो इन तीन के बेसिस पे, सिमिलरिटीज के बेसिस पे हम देखते हैं, डिफरेंसेस के बेसिस पे देखते हैं, और एक चीज़ दैट्स रिलेशन के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में इनको रखते हैं।
अब क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन के दो टाइप्स हैं, दो तरीके से क्लासिफिकेशन की गई अभी तक। एक क्लासिफिकेशन की गई जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, ये बेस्ड है हैबिट एंड हैबिटेट के बेसिस पे। किसके बेस पे? हैबिट एंड हैबिटेट के बेसिस पे, यानी इनकी आदत क्या है और ये कहाँ पे रहते हैं उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया, जिसमें हम देखते हैं वेदर दे लिव इन द लैंड, चाहे वो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं या वाटर में रहते हैं या कहीं एयर पे रहते हैं, उनको अलग पे अलग क्लास में रखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, अगर हम बैट को लेंगे, बैट बैट जो है बैट फ्लाई करता है, ये एयर में रहता है, बैट एयर में रहता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे व्हेल, व्हेल जो है ये एक्वेटिक है, ये वाटर में पाया जाता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे इसी तरह रैट, रैट जो है ये लैंड एनिमल है, टेरिस्ट्रियल है। मगर ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है ये ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि इसने इसके कुछ ड्रॉबैक्स नज़र आ गए। वो ड्रॉबैक्स क्या थे? वो ड्रॉबैक्स इसने एक ही कैटेगरी, बैट है इसको अलग क्लास दिया, व्हेल है इसको अलग क्लास दिया, रेट है इसको अलग क्लास दिया, मगर ये तीनों क्या है? ये तीनों मैमल्स हैं। इन तीनों को फिर बाद में एक ही क्लास में रखा गया। तो ये किसके बेसिस पे? सिर्फ था एक ही बेसिस पे, हैबिटेट हैबिटेट के बेसिस पे पहली क्लासिफिकेशन थी। सो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो नेचुरल एक एनिमल या एक स्पीशीज के इंटरनल या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को देख के हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड। बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स को देखते हैं, उसी से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ ए क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन बोथ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। भी सिमिलरिटी भी देखता है और डिसिमिलरिटी भी देखता है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। जैसे हम देखते हैं, देखेंगे इसमें एक ये हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं सेल्स आर प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। ऑर्गेनिज्म को हमने देखा, ऑर्गेनिज्म हमने लिया, हम देखते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये ऑर्गेनिज्म अगर प्रोकैरियोटिक है तो इसको हम देखते हैं इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। इसका न्यूक्लियस क्या है? तो उसको अगर न्यूक्लियस अंडर यानी वेल डेवलप्ड नहीं हुआ तो उसको रखते हैं प्रोकैरियोटिक में। अगर उसको हम न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड, उसको रखते हैं यूकैरियोटिक में। तो ये किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बेसिस पे। इसको हम कहते हैं सेल जो है, सेल के बेसिस पे हम इनको, सेल साइज के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। पहले जो छोटी सेल है जिसका साइज कम होगा, माइक्रॉन्स में होगा, और जिसका साइज 500 μm होगा, उनको हम रखते हैं किसके बेसिस पे? यूकैरियोटिक पे। ये हो गया पहला एक। इस तरीके से हम क्या करते हैं? क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को। दूसरा हम क्लासिफाई करते हैं सेल्स अगर सिंगुलर और क्लस्टर, जिसको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। वो अगर कोई सेल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, वो सिंगल सेल है, उसको रखा गया किस में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल में। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम कहते हैं मल्टी, जो बहुत सारे सेल्स के बने हैं, उनको हम रखते हैं किस में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। सेल के साइज, सेल के नंबर पे इनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेल के साइज पे, ये है यहाँ पे साइज, ये जो है ये है ऑन द बेस ऑफ नंबर। सेल नंबर पे हम क्या करते हैं? हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी के पास ज़्यादा सेल्स होंगे, नंबर ऑफ ज़्यादा होगा, क्लस्टर, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। किसी के पास सिंगल सेल होगा, एक ही सेल होगी, उनको रखते हैं किस में? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से उनको रखते हैं। ये हो गया एक। फिर उसके बाद वो एक है ऑर्गेनिजम्स इज फोटोसिंथेटिक और टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड, यानी हम बेसिस करते हैं फोटोसिंथेसिस के बेस पे। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस या फूड खुद बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाता है, तो उनको रखते हैं अलग कैटेगरी में, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अगर वो अपना फूड नहीं बनाते, अपना फूड नहीं यानी प्रिपेयर नहीं करते, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उनको अलग क्लास में रखा जाए, उनके नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए वो, तो उनको रखते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, सारे ग्रीन प्लांट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको रखा गया अलग। फंगस इसमें आता है, फंगस तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो डिपेंड होता है दूसरे पे, जिसको रखा गया नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के ऊपर। नेक्स्ट जो है, इसके बाद ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो, उनको अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे इनको अलग अलग करके रखा गया। जैसे प्लांट्स को हम देखेंगे, प्लांट्स में सिस्टम होता है, प्लांट्स में रूट्स होते हैं, प्लांट्स में सिस्टम है, प्लांट्स में रूट है, प्लांट्स में लीव्स होते हैं, तो उसको देख के हम उनको अलग रखते हैं। एनिमल्स के पास रूट्स नहीं होते, एनिमल्स के पास स्टम नहीं होता, एनिमल्स के पास लीव्स नहीं होते, एनिमल्स के पास अलग आर्म्स होते हैं, लेग्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं, तो उनको अलग करके
रखा गया, इसको हम कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो ये चीज़ याद रखना, दो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटीज, ऑन द बेस ऑफ डिफरेंसेस, ऑन द बेस ऑफ रिलेशनशिप। फिर दो क्लासिफिकेशन है, एक है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं उस क्लासिफिकेशन को जिस क्लासिफिकेशन में कह रहे हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं उसको जो बेस्ड है हैबिट एंड हैबिटेट के बेसिस पे, और वो ज़्यादातर यूज़ नहीं की गई, वो ज़्यादा नहीं जो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है, नेचुरल क्लासिफिकेशन वो उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं जो सिमिलरिटीज़ या डिसिमिलरिटीज़ हम देखते हैं, या करेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उनको फिर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में उन ऑर्गेनिज्म्स को रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे एक हमने बताया ऑन द बेस ऑफ सेल साइज के बेसिस पे, यानी ये सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, नंबर ज़्यादा है यानी इसका साइज ज़्यादा है या कम है, या ऑन द बेस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, उसके बेस पे हम इनको रखते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बेसिस पे। दूसरा है सेल द बेस ऑफ सेल सिंगुलर क्लस्टर, यानी अगर सेल का नंबर क्या है, एक अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल जो एक ही है तो उसको रखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अगर ऑर्गेनिज्म उसके अंदर सेल जो है वो एक से ज़्यादा का बना होता है तो उनको रखते हैं मल्टी सेलुलर में। इसी तरह हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस, कोई ऑर्गेनिज्म अपना खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सन एंड बाय प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। कुछ होते हैं जो अपना फूड नहीं बनाते हैं, जो डिपेंड होते हैं किसी दूसरे के ऊपर, दैट इज कॉल्ड नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन क्या है बॉडी का, और प्लांट्स के ऑर्गेनाइजेशन अलग है, उनके पास सिस्टम है, उनके पास रूट्स हैं, उनके पास लीव्स हैं। एनिमल्स जो है, एनिमल्स में अलग ऑर्गेनस होते हैं, एनिमल्स ऑर्गेनस यानी लेग्स हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, उनको अलग डिज़ाइन किया गया और उनको अलग डिज़ाइन किया गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं इन ऑर्गेनिज्म को। जब हम क्लासिफिकेशन करें तो हमें इजी हो जाएगा इन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में। इस चीज़ को कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। ओके बेटा, आज इतना ही। तो इंशाल्लाह कल हम इसको इम्पोर्टेंस देखें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या, यानी हम क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं और हमें क्लासिफिकेशन क्यों करनी पड़ती है। अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो तब क्या होगा।